We all have days in BMS where we don't feel like studying. We slowly start losing our interest in BMS subjects, and reason is very simple. Our brain is just scared of doing things which seems daunting. So in this video, I'm going to tell you how to study when you don't feel like studying and how to cope up with that post-meet phase. So hi everyone, welcome back to the channel. I'm Kritika Pandey and I'm a second year BMS student. You have taken admission in BMS and you are still facing the language related issues, and you are still struggling with the shlokas, then you are not the first one. I was facing the same problem back in 2019, and mere most of the batchmates same problem face kar rahe the. So in this video I am going to tell you what can be the right strategy to avoid these things. So without further ado, let's jump to the video. फर्स्ट वन इज श्लोका. श्लोका से अभी भी बच्चे बहुत ज़्यादा डरे होते हैं. वो हमेशा उनको ऐसा लगता रहता है कि हम लर्न नहीं कर पाएंगे, और ये एक मेजर फैक्टर होता है कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं बीएमएस में फर्स्ट ईयर में. और ये मेरे साथ भी था, ये सबके साथ होता है, क्योंकि अगर हम बहुत प्रेशर लेने लगते हैं संस्कृत का कि अरे संस्कृत है हम कैसे करेंगे, बट ऐसा होता नहीं है. श्लोका हमको पहले बेसिक वाले करने होते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो करने होते हैं. तो ऐसे बर्डन नहीं लेना होता है आपको, वो पता चल जाएगा कि कौन से श्लोकाज हैं जो हमको लर्न करने हैं, कौन से पहले करने हैं. तो कभी भी बर्डन नहीं लेना है. पहले हम छोटे छोटे वाले लर्न करेंगे, बेसिक वाले लर्न करेंगे, एंड देन अगर हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हमको लगता है कि बेसिक वाले हमको लर्न हो चुके हैं, तो हम बड़े श्लोकाज पर भी जा सकते हैं. मुझे याद है कि एक आपोपदेश का श्लोक होता था जो बहुत ज़्यादा बड़ा था, वो पूरे फर्स्ट ईयर में मुझे नहीं याद हुआ था, और सेकेंड ईयर में वापस से वो श्लोक आया तो मुझे लर्न हो गया, क्योंकि तब तक फ्लो बन गया था थोड़ा, तो मुझे याद होने लगा था. बट फर्स्ट ईयर में मैं ट्राई करती थी. फर्स्ट ईयर में मेरा ऐसा भी था कि मैं डरती थी कि बड़े श्लोक करने ही नहीं है, तो मैंने सिर्फ बेसिक बेसिक करे थे, और बेसिक से भी मेरा काम चल गया था. तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप मत करो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको करना ही करना है. एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि इसकी सही स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है. तो पहली ये कि आप फ्रेंड के साथ कर सकते हो. आप लोग दोनों डिसाइड करो कि हम कल इस सब्जेक्ट का ये वाला शो करके आएंगे, इस सब्जेक्ट का ये वाला शो करके आएंगे, और अगर आप डिसाइड कर लोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप सेकेंड डे आके एक दूसरे को वो श्लोक डिसाइड करके बता सकते हो, तो वो काफ़ी अच्छा चीज़ होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है. और दूसरी बात है कि आप श्लोका को तोड़ तोड़ के कर सकते हो. अगर आपको एक साथ फ्लो में नहीं बोला जा रहा है तो आप उसके चार पार्ट में आप उसको डिवाइड कर लो कि हम, और उसके पॉइंट्स बना लो कि एक दो तीन चार ऐसे पॉइंट्स हो गए, तो हम उसकी, या फिर कोई नेमोनिक बना लो उसके फर्स्ट वर्ड से, कोई नेमोनिक बना ली तो वैसे भी श्लोक याद हो सकता है. एंड फिर आप उसको बोलने की कोशिश करो एक फ्लो में. तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, जो आपको सही लगे आप कर सकते हो. पर हमेशा इसको एज अ बर्डन नहीं लेना है, क्योंकि बीएमएस सिर्फ श्लोका से नहीं है. है श्लोका से इम्पोर्टेंट है, पर स्टार्टिंग में हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि सिर्फ श्लोका ही है. बीएमएस में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग भी है, तो सिर्फ इन दोनों या फिर एक दो चीज़ों के लिए हम ये नहीं सोच के बैठ सकते कि हाँ पूरा कोर्स ही ख़राब है और हम इंटरेस्ट लेना ही छोड़ दें. तो ये हो गए श्लोका की बात. सेकेंड थिंग इज़ हाइपोथेटिकल टॉपिक्स लाइक आत्मा, मन, पुनर्जन्म. तो ये सारी चीज़ें भी आपको मिलती हैं आयुर्वेदा के टेक्स्ट में. तो ऑब्वियसली आयुर्वेदा के टेक्स्ट लिखे गए थे बहुत साल पहले, तो तब ऐसी चीज़ों पर विश्वास होता था कि पुनर्जन्म भी कोई चीज़ होती है, आत्मा मन के बारे में होता था, क्योंकि तब के लोग ऐसे मानते थे. तो वो चीज़ें भी संहिताज में हैं, तो वो चीज़ें आपको टेक्स्ट में पढ़ने को मिलेंगी. पर अब हम ये सोचने लगे कि उन चीज़ों के बेसिस में पूरे कोर्स को जज करें कि हाँ पूरा कोर्स ही एक वेस्ट है, हमको नहीं पढ़ना चाहिए. और कभी कभी मैं पदार्थ पढ़ते टाइम ये सोच रही थी कि ये कैसी साइंस है, मैंने पीसी भी ऑप्ट किया था ताकि मैं साइंस पढ़ूँ. मोस्ट ऑफ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हाँ साइंस होनी चाहिए, और फिर कुछ कुछ चीज़ें लगेंगी, कुछ कुछ हाइपोथेटिकल टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल समझ में नहीं आते, सर के ऊपर से चलते हैं कि क्या हो रहा है, बट उनके बेसिस पर हम पूरे कोर्स को जज नहीं करेंगे. एंड ऐसी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं, जो आपको सेकेंड ईयर में मिलेंगी, थर्ड ईयर में मिलेंगी. सेकेंड ईयर में लाइक बीजी में प्लान्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, और आरएसबी के प्रैक्टिकल्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, और फर्स्ट ईयर में फिजियो बहुत इंटरेस्टिंग है. तो कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और उनमें काफ़ी अच्छा फ्यूचर है. और योगा बहुत इंटरेस्टिंग है, और काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि हाँ आयुर्वेदा वेस्ट है और उसमें कोई फ्यूचर नहीं है.
क्योंकि इन टॉपिक्स को अगर हाइपोथेटिकल टॉपिक्स आपको परेशान करते हैं और उसकी वजह से आपको इंटरेस्ट आप अपना लूज़ कर देते हो, तो उसका यही है कि आप उनको एक सिलेबस का पार्ट समझ के साइड में रख दो। क्योंकि कोई भी कोर्स अगर आप ऑप्ट करते हैं, आप MBBS करते हैं, BA करते हैं, BSc करते हैं, तो उसमें भी कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं या फिर कुछ उनमें टॉपिक्स आते हैं जो एकदम इंटरेस्टिंग नहीं होते, फिर भी तो आपको पढ़ना पड़ता है क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट है। तो उनको जस्ट सिलेबस का पार्ट मान के पढ़ो और बाकी पूरे कोर्स को बेस ना करो। थर्ड थिंग इज़ इफ़ यू हैव कम्प्लीटली लॉस्ट योर इंटरेस्ट इन BAMS, ये प्रॉब्लम भी कॉमन होती जा रही है क्योंकि मेरे साथ ये काफ़ी दिन तक था, 2019 में, 2020 में एंड सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग तक, कि मुझे ये लगता था कि मैं नहीं कर सकती BAMS और अगर मैं नीट में कुछ अच्छा परफॉर्म कर देती तो मैं कहीं और होती, मुझे इतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते BAMS, मुझे तब तक हार्ड लगता था। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज रहती थी, मेरा मोरल काफ़ी ज़्यादा डाउन रहता था और हमेशा अब यही सोच रहती थी कि हाँ बहुत बड़ा फेलियर हो चुका है, अब आगे कुछ नहीं होगा। और उस टाइम पे जब मेरा थोड़ा सा कुछ सही हो गया था, तब मैंने सोचा था कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँ। एंड मैंने यूट्यूब चैनल सिर्फ इसलिए स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं MBBS नहीं कर रही हूँ तो लोग देखेंगे नहीं, शायद मुझे उतना व्यूज़ नहीं मिलेंगे, सो वो भी एक मिथ था। क्योंकि जब मैंने खोला तो लोगों ने देखा भी एंड व्यूज़ भी आए, तो जब आप अपने आप को सोचते रहोगे कि हाँ मेरे को फेलियर मिल चुका है तो मैं कभी से अपना कुछ स्टार्ट नहीं कर सकती, तो ये बहुत गलत चीज़ होती है। रैदर दैन थिंकिंग अबाउट द पास्ट, आप ये भी सोच सकते हो कि मेरे पास आगे अपॉर्चुनिटी है, मैं यहाँ पे अच्छा कर सकता हूँ। अभी तो गवर्नमेंट कितना ज़्यादा कर रही है आयुर्वेदा के लिए, तो आप यहाँ पे अपना बेस्ट दे सकते हो, कितनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्टार्टअप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप कितना कुछ कर सकते हो, बट आप नहीं कर रहे हो और आप रूम के कॉर्नर पे बैठ के ये सोच रहे हो कि मैंने अपने नीट में अच्छा कर दिया होता तो मैं MBBS कर रहा होता या फिर मैं कुछ और अच्छा कर रहा होता। तो अभी इस टाइम पे जब बच्चे इतना ज़्यादा कर रहे हैं अच्छा करियर में और आप बैठ के कहीं पर ये सोच रहे हो, तो ये बहुत गलत चीज़ होती है। एंड मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर ये था कि मेरे पेरेंट्स मेरे पे बहुत ज़्यादा स्पेंड कर चुके थे एंड उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं मेरे से, तो मेरे को ये लगता था कि अगर मैं कहीं पर बैठ के ये सोच रही हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती तो ये बहुत गलत है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो अभी भी सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है हमने BAMS में एडमिशन करवा दिया है तो बच्चा वहाँ पर अच्छा करेगा, और वहाँ पर भी आप डिमोरलाइज होकर बैठे हो, तो ऐसे लोगों के लिए मैं सच में बोल रही हूँ कि कोई भी जगह नहीं होती। ऐसी माई सीनियर्स दे आर वर्किंग रियली हार्ड इन देयर करियर, वो PG के प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो प्रॉफ एग्जाम में भी काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं एंड उनके मन में कोई भी रिग्रेट नहीं है अपने नीट के मार्क्स को लेके, इवन वो कभी सोचते भी नहीं हैं। तो ऐसे लोग मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें भी कभी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फेल्योर मिला था, बट उसे उन्होंने ओवरकम किया और अभी वो कितना अच्छा कर रहे हैं BAMS में और आगे भी उनको अच्छे से PG मिलेगी क्योंकि वो अपने गोल को लेके क्लियर हो चुके हैं एंड वो भी चीज़ कर रहे हैं। तो अगर आप इस टाइम पे अपने गोल को लेके क्लियर हो जाए और धीरे धीरे सोचो और ये अपने अपने पेरेंट्स को अपने लिए मोटिवेटिंग फैक्टर रखो कि हाँ ठीक है अगर मुझे यहाँ पे एडमिशन मिल गया है तो मुझे वहाँ पे भी बहुत अच्छा करना है। एंड ट्रस्ट मी करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ पर भी मैंने वीडियो बनाया था, आप वो जाके देख सकते हो एंड उसका मैं सेकेंड और थर्ड पार्ट भी लाऊंगी क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें नहीं बताई हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे स्कोप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हो। और इसके अलावा यूट्यूब पर भी काफ़ी कुछ अवेलेबल है जहाँ पर आप तो इतने अच्छे अच्छे थेरेपीज हैं और स्टार्टअप के आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं, काफ़ी कुछ है बस अगर आप करना चाहो तो। और एट लास्ट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मोटिवेटेड रहो और इतना हार्ड वर्क करो कि अगर आप कल को कहीं भी जॉब करते हो तो आपको ये ना लगे कि आप पीछे रह गए। आप अगर स्टार्टअप करते हो या फिर कोई जॉब करते हो, आपका खुद का क्लिनिक होता है तो वहाँ पर भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो, वहाँ पर भी नंबर वन रहो, कि कोई ये ना बोले कि BAMS कोर्स एवरेज है या फिर BAMS डॉक्टर्स एवरेज हैं। And just make yourself proud and make your parents proud. Bye-bye.